आदाब मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज टाइम्स। मुमरा के बहुत ही जुझारू कारपोरेटर शानू खान पठान, जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उन्हें कार्य कार्य सम्राट भी कहा जाता है, वो थाने महानगर पालिका के अपोजिशन लीडर भी पिछले दिनों गुजरात दिनों बनाए गए, जिस पर काफी लोगों में खुशी की लहर थी कि अच्छा काम करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों मुमरा कौसा में प्राइम हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ था आग लगने का, जिसकी वजह से 4 मरीजों की मौत हो गई थी। थाने में भी अलग अलग अस्पताल में कुछ हादसे हुए थे जहाँ भी कुछ मौतें हुई थी। उसके बाद बड़ा हंगामा रहा और यहाँ के जो पालक मंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, उन्होंने भी दौरा किया, विजिट किया और उन्होंने बहुत कुछ आदेश भी दिया था कि अस्पतालों के जो है उनके जो फायर की ऑडिट होनी चाहिए और वहाँ पर फायर सिस्टम बहुत सही होना चाहिए, ऑक्सीजन का मामला सब सही होना चाहिए, नर्सेज की तादाद क्या है, डॉक्टर्स की तादाद क्या है, वार्ड बॉयज़ की तादाद क्या है, यहाँ के जो MLA स्थानीय मकामी जो MLA हैं, डॉक्टर जितना अवार्ड, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी, उनकी तरफ से काफ़ी आदेश आया था, कमिश्नर ने भी आदेश दिया था, महापौर ने भी आदेश दिया था, लेकिन क्या उन तमाम अहकाम पर जो उन्होंने आदेश दिए उन पर पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, इसका जायजा लेने के लिए कल अचानक शानू पठान जो अपोजिशन लीडर हैं थाने महानगर पालिका के, उन्होंने थाना और मुमरा के बहुत से अस्पतालों का दौरा किया और उन्होंने पाया कि जो भी अहकाम जारी किए गए थे उस पर अमल आवरी नहीं हुई है, सिर्फ उसकी खाना पूरी की गई है, जिस पर वो काफ़ी नाराज हुए। मीडिया वालों से बात करते हुए काफ़ी भड़के हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी की कीमत है, जान की कीमत है, मैं थाने महानगर पालिका का अपोजिशन लीडर हूँ, मुझे यहाँ के लोगों की जिंदगी की कीमत का एहसास है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उन्होंने सख्त अल्फाज में म्यूनसिपल अफसरान को ये चेतावनी दी, उन्हें तंबीह की कि सिर्फ ऐसी दफ्तरों में बैठकर आप लोग जो कानूनी जो खाना पूरी करते हैं उससे बाज आइए और ज़मीनी स्तर पर काम कीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने दौरा किया है, मैं देख रहा हूँ कि जो फार्मेन जो तकरूर जिनका तकरूर किया गया है 4 लोगों का, उन्हें जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें उस बारे में कोई काम ही नहीं आता, मान लीजिए फायर सिस्टम कैसे आप अपडेट करेंगे, तो उन्होंने साफ साफ अपना पल्ला झाड़ दिया कि उन्हें इस बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं है। इस पर वो काफ़ी नाराज हुए, उन्होंने कहा कि अगर आगे चल के फ्यूचर में कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी फायर जो डिपार्टमेंट है उसके आला अधिकारियों को लेनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत से प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जिनके तकरीबन 400 से 450 अस्पताल ऐसे हैं जिनकी मान्यता खत्म होने जा रही है, इनका रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी फायर की ऑडिट की बात तो TMC करती है, लेकिन जहां पर उन अस्पतालों में जहां पर ये सिस्टम मौजूद है उसे ही ऑडिट उसे ऑपरेट करने का तरीका लोगों को नहीं मालूम, उन्हें ट्रेनिंग तक नहीं दी गई है, तो काफ़ी नाराज नजर आए शानू पठान और वो इस विषय में बहुत ही गंभीर नजर आ रहे हैं। उनका मानना यह है कि लोगों की जान की कीमत है, पेंडेमिक चल रहा है और इस वक्त महाराष्ट्र का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे हालात में कोई हादसा ना हो जाए, तो उन्होंने बहुत ही खुले अल्फाज में उन लोगों को धमकी दी और कहा कि जल्द से जल्द ये सारे अहकाम जो नाफिज किए गए हैं उन पर कार्रवाई उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए क्या कुछ कहा शानू खान पठान ने, जो मुमरा कौसा से राष्ट्रवादी पार्टी के न सिर्फ कारपोरेटर हैं बल्कि थाना म्यूनसिपल कारपोरेशन के अपोजिशन लीडर भी है। देखें ये वीडियो। भाई ए थांबा जरा गजा, मला जागा नाही अजिबात, तुमची वायर तरी मला दाडक जरा जागा नाही, शेअर धरतो का तू जरा जा नागरिकों की तकरार के बाद ग्लोबल, इसके बाद हम पार्किंग प्लाजा और कौसा हॉस्पिटल, ये सभी हॉस्पिटलों पे हमारी तैयारी कैसी है, डॉक्टर सिस्टर वार्ड बॉय और सबसे ज़्यादा फायर की टीम की क्या तैयारी है, क्योंकि जो टेम्परेचर है महाराष्ट्र में और लोड ज़्यादा है, जिसके लिए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी आदेश दिया है कि सभी तैयारी होना चाहिए, जितेंद्रवाड़ जी भी बोल रहे हैं, कमिश्नर साहब भी बोल रहे हैं, महापौर साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसकी तैयारी है क्या उसकी जाँच और उसको देखने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर आए थे। आने के बाद सरासर पूरी खामियाजे फायर डिपार्टमेंट की ओर से मालूम पड़ रहा है, 4 फायरमैन को रखा गया है जिसके अंदर से उनको जो फायर डिपार्टमेंट के फायरमैन हैं उनको यहाँ पे जो मैनुअल फायर जो मशीनरी ऑपरेट करते उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, ऐसे में फायर ऑफिसर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, जबकि कमिश्नर साहब, पालक मंत्री जी, महापौर साहब ये सभी दावे कर रहे हैं कि ऑफिसर फायर ऑफिसर हमेशा यहाँ रहना चाहिए। यहाँ पे जो पीछे की गाड़ी खड़ी की है 500 लीटर की गाड़ी है पानी की फायर की रखी, ऐसे में कभी हादसा हो जाए तो मैं आपको एकदम क्लियर और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऊपर वाला ना करे कि यहाँ कोई हादसा हो, लेकिन अगर हादसा हो जाए तो हम सिर्फ नाम मात्र फायरमैनों को यहाँ रखें, हम यहाँ पर इनकी सुरक्षा फायर डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उनको जो फायरमैन है उनको ऑपरेट कैसे करते,
ये मालूम ही नहीं, उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई और उनको यहाँ पे उनको जवाबदारी जो दी है उनको उसके बारे में भी नहीं मालूम है। खाली एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पे लाया गया है और उनको खड़ा कर दिया गया। और जब मैंने उनकी शिकायत किया तो बेचारे हमारे कुछ ऑफिसर उनकी शिकायत करें, वो क्या करेंगे? उनको जब साधारण मानस उनको पूछा कि आपको इसकी सारी जानकारी है, डिटेल है, कैसे ऑपरेट करते, तो उनके मुँह से निकल गया हमें मालूम ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात, ऐसे में अगर हादसा हुआ तो फायर डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी उसकी जिम्मेदार उन्हें लेना पड़ेगी, उनको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि थाने के एक भी हॉस्पिटल के ऊपर आपने पहले इतने सारे हॉस्पिटलों पे आग लगी, कई लोगों की जान गई, तो हमें पिछले से सीखना चाहिए और आगे तैयारी रखना चाहिए। और उसके बावजूद भी हमारी अभी तैयारी नहीं है और डमी ऐसी चीज़ें करने पर, महापालिका डमी चीज़ें करने में एक्सपर्ट है। मैं महापालिका के सभी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सही से होश में आ जाए, जमीनी लेवल पे काम करे, खाली एसी में बैठ के कैबिन पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें ना करे। ऑफिसर हो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए था, उनको यहाँ पे बाकायदा ट्रेनिंग देना चाहिए था कि हादसा हो जाए तो क्या करेंगे। आप प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे हैं, आज 350-400 लोगों के हॉस्पिटल की परमिशन खत्म होने आई है, उनको ये गोल गोल घुमाया जा रहा है। आप उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनको फायर ऑडिट नहीं किया गया है, उनके पास फायर की कोई सुविधा नहीं है। अरे जहाँ पे फायर सिस्टम लगा है उनको ऑपरेट करने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दी फायरमैन को, जहाँ पे फायर सिस्टम लगा उनको ऑपरेट करने के लिए फायर की ट्रेनिंग नहीं दी फायरमैन को। मतलब कहीं ना कहीं आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, थाने की जनता की जान की कीमत है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात ध्यान रखिए। सर यहाँ पे डॉक्टर केयर जी कंपनी आहे, ते जे डॉक्टर्स पुरवते, नर्सेस वगैरे पुरवते, त्यांनी एमओयू जो केलेला आहे त्याप्रमाणे इथे डॉक्टर नर्सेस यांचा स्टाफ अवेलेबल आहे का, हा प्रश्न सुद्धा तुम्ही इथे विचारलेला आहे, काय उत्तर मिळालं? हमारी खुशकिस्मती आहे थाना की के पेशंट की संख्या कमी हुई, 400 कुछ पेशंट अभी है, लेकिन हम क्यों नहीं सोचते कि तीसरा लाट आने वाला है, ऐसे में कभी पेशेंट बढ़ जाए तो एज पर एमओयू मैं उनसे ये पूछा, मैंने यही पूछा कि जब करार महापालिका से उन्होंने किया था ओम साई ने, उस करार के हिसाब से सभी मैन पावर सब चीज़ें है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर कोई थाने महापालिका के जवाई है क्या, किसके उस पर सब चल रहा है? तो यंत्रणा थाने महानगर पालिका को सही से करना पड़ेगी। और जो कोई है ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है, मैं उसके करतूत करना चाहिए, उसकी सराहना करना चाहिए, लेकिन जो कमियाँ हैं उसे प्रशासन के जरिए दूर करना चाहिए। मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ओम साई के जो मैन पावर आज के लिए चाहिए वो तुरंत बहाल किया जाए, और जितने वार्ड बॉय और डॉक्टर और नर्सेस चाहिए कमिश्नर साहब खुद इस पर ध्यान रखें, इस पर तुरंत अमल करें और उनको अपॉइंट करें तुरंत।